फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू सैंडी पैनी एजुकेशनल एकेडमी। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 2 का मैथमेटिक्स करवाने जा रही हूँ। बच्चों, जिसका हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 11, अब हम उसमें पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर में देखो बेटा, वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 मंथ्स होते हैं। वन ईयर में कितने डेज होते हैं? नॉर्मली 366 डेज होते हैं। लेकिन लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी 29 होती है, मतलब फरवरी में जो डेट होती है वो 29 की डेट आती है, तो उसमें 366 डेज हो जाते हैं। उस ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। वन ईयर में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। एक साल में पूरे 52 हफ्ते होते हैं। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। कौन कौन से डेज होते हैं 7? इट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? अगर आप बोलोगे कि 12 आवर्स होते हैं तो रॉन्ग है। वन डे में, पूरे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि घड़ी में 12 पूरे टाइम में दो बार बजते हैं, एक बार दिन में और एक बार रात को। तो पूरे दिन में कितने घंटे हो गए? एक दिन में 24 घंटे, यानी कि वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। और वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और वन मिनट पे सेकेंड्स कितने होते हैं वो भी लिख लीजिए। वन मिनट पे कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं। ओके, व्हाट इज अ लीप ईयर? एक लीप ईयर क्या होता है? द ईयर विच इज डायरेक्टली डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिविजिबल हो जाता है उस साल को लीप ईयर कहते हैं। जैसे 2014 है, 15 है, आप इसको 4 से डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि जो 4 से एग्जैक्टली नंबर डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। इट हैज 366 डेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। दैट इज वाई फरवरी हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में जो फरवरी होती है ना, इसलिए फरवरी कितने डेट की होती है? 29 डेज होते हैं फरवरी में। मिड डे यानी कि आधा दिन। मिड डे कब होता है? दोपहर के 12 बजे तक, 12 noon। AM बिफोर मिड डे। AM यानी कि मिड डे से पहले का टाइम, यानी कि कब? रात के 12 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे से पहले का जो टाइम होता है वो AM का टाइम होता है। और PM का टाइम कब होता है? आफ्टर मिड डे, यानी दोपहर के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक जो टाइम होता है, यानी दोपहर के 1 बजता है, 2 बजता है, या जितना भी हमारा बजता है, 4, 5, 6, 7, मतलब इस तरह से 12 जब तक बजती है, तब कितना कौन सा टाइम होता है हमारा? PM का। AM मीन्स एंटी मेरिडियम, PM मीन्स पोस्ट मेरिडियम। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स। एक दिन में 24 आवर्स। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। द मिनट हैंड टेक्स डैश आवर टू कंप्लीट। मिनट हैंड कितने घंटे लगाएगा कंप्लीट करने में एक राउंड का? 1 आवर, यानी 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसलिए 1 आवर पूछे तो 1 आवर। देयर आर डैश मिनट्स एन आवर। मिनट्स कितने होते हैं एक घंटे में? 60। द आवर एंड कंप्लीट डैश राउंड ए डे। आवर एंड कितने राउंड कंप्लीट करता है एक दिन में? पूरे 12 राउंड। जो आवर एंड होता है ना हमारा छोटा वाला एंड, वो पूरे 12 राउंड कंप्लीट करता है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए। रीड एंड राइट टाइम इन वर्ड्स इन फिगर्स। यहाँ पे देखो, 1 और 4 के बीच में और 5 के बीच में है, यानी कि छोटा एंड है, यानी कि 4 बज चुके हैं। उसके बाद का टाइम कितना हुआ है? 6 पे आया, यानी कि 4:30, दैट मीन्स 4:30। एक एंड हमारा है 11 और 12 के बीच में, दूसरा एंड है हमारा 3 के बीच में, यानी कि 11 तो पूरे बज चुके हैं। उसके बाद कितने डेट लिखे? 15 मिनट। 5, 10, 15, 5, 10, 15, 11, 15, यानी कि 11:15, यानी 11 का कुछ 11:15 हुआ है। अगले में देखिए, 1 और 6 के और 7 के बीच में है दोनों के, यानी कि 6 तो पूरे बज चुके हैं। उसके बाद का और टाइम निकल गया, यानी 6:45 हुआ, यानी कि 7 अभी तक बजे नहीं है, 7:15 बाकी है। तो 8:45, सात बजने में 15 मिनट बाकी, इसलिए 8:45। कैसे? 5, 10, 15, अगर ये थोड़ा सा इधर खिसके और ये आगे खिसके तो पूरे 7 बज जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं? 9:15 हुए, 7:15 हैं।
क्वार्टर पास नाइन। ध्यान दीजिएगा बेटा, 9 बचते हैं, कहाँ पे बचते हैं, 9 यहाँ पे बचते हैं। उसके बाद कितने मिनट से पास हुए, 15 मिनट से पास हुए, तो इसलिए क्वार्टर पास 9। आपको पूरा काउंट नहीं करना है, 9 बज जाते हैं उसके बाद 15 मिनट, 10:15। ओके, तो क्वार्टर पास 9 यानी कि 9:15 बजे का हमारा टाइम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वर्क कंप्लीट करना है और ये पार्ट मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया है, इसलिए आपको होमवर्क में करना है। आपको मंथ्स के सभी के नेम लर्न करने हैं, कितने मंथ्स होते हैं उनके सभी के आपको नेम लर्न करने हैं, और हमारे वीक्स नेम वो पूरे अच्छे से लर्न करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, और साथ में ये भी कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, हर एक महीने को छोड़ छोड़ के। पहला महीना 31 डेज का होता है, दूसरा 30 डेज का होता है, एक फरवरी को छोड़ के, फरवरी खाली 28 डेज की होती है। बाकी देखो जुलाई एंड अगस्त दोनों 31 डेज के होते हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू एवरीवन।